हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदना एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन। तो आईएएस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हो तो इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा वही लेना चाहिए जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी बेस्ट कोचिंग है आईएएस प्रिपरेशन के लिए। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो काफ़ी बच्चे ये लेकर अपना आईएएस एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको बेस्ट कोचिंग कौन सी है वो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स के साथ बताऊँगी और पूरे प्रूफ के साथ बताऊँगी, ओके। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो रैंक वन कोचिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैद आईसीएस। यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छे और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और यहाँ की बेस्ट फैकल्टी है डॉक्टर प्रत्युष मणि त्रिपाठी सर। ये यहाँ के नंबर वन फैकल्टी हैं, ये 10 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो यू कैन सी दैट व्हाट द अमेजिंग थिंग इज़ इन दिस कोचिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ के सारे फैकल्टीज ही बहुत अच्छे होते हैं, और मेन है ये विजिटिंग फैकल्टी है। दिल्ली में भी कई कोचिंग में इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग पढ़ाई है, ठीक है। तो ये हर जगह जा कर के प्रिपरेशन करवाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दिल्ली में भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और मेन आप डिसाइड करते हो रिजल्ट से। तो ये देखो, 2019-2020 में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है वैद आईसीएस ने। जिस बच्चों ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था, उनमें से कई बच्चों ने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक किया है। तो ये देख सकते हो आप इसका रिजल्ट, ये है प्रूफ, ये बहुत अच्छी कोचिंग है, और इसका रिजल्ट भी एकदम माइंड ब्लोइंग रहा है 2019 एंड 2020 का। फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छे, और ये एक बहुत पुरानी कोचिंग है, 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हो गई, और रिजल्ट की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं वैद आईसीएस को। और हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो रहा, वैद आईसीएस एक दिल्ली में भी है, पर मैं दिल्ली की कोचिंग की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ की कोचिंग की। लखनऊ की जो वैद आईसीएस है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट कोचिंग है, और साथ ही यूपीपीएससी के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और अब देखो यहाँ के अगर फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, विजिटिंग फैकल्टी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको, इस COVID-19 के सिचुएशन में भी ये कोचिंग रन कर रही है ऑनलाइन मेथड पे। हाँ जी, ये आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है कि आप अगर ऑनलाइन से ही अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीपीएससी के लिए या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो आप आराम से ऑनलाइन ही अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो अगर आपको वैद आईसीएस में कॉन्टैक्ट करना हो, एडमिशन लेना हो, तो आप ज़रूर इस नंबर पर जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये एक नंबर वन कोचिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो रैंक टू कोचिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हिंदू जोन। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे इंडिया की बेस्ट कोचिंग रजिस्टर्ड है। हाँ जी, पूरे इंडिया की बेस्ट कोचिंग, और स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सब घर पे रहकर ही अपना यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इस टाइम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है द हिंदू जोन। आप यहाँ जा कर के आराम से देख सकते हो आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथ्स है, हिंदी है, हिस्ट्री है, कुछ भी है, आप आराम से यहाँ कॉन्टैक्ट करो और आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन सी बेस्ट कोचिंग है। साथ ही यहाँ पे काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है, और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए कौन सी अच्छी कोचिंग है वो भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। सिर्फ यूपीएससी नहीं, यहाँ पे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आपको द हिंदू जोन में कॉन्टैक्ट करना है, तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करो एक बार यार, क्योंकि आपको इससे सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि आपको क्या ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन के लिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा रैंक थ्री कोचिंग है प्लूटस आईएएस। नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक बहुत ही फेमस कोचिंग है ऑनलाइन कोचिंग के लिए।
हाँ जी, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड है जो कि बेस्ट बन गया है इस वक्त बच्चों के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आप आराम से, आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। UPSC प्रिपरेशन के लिए, IAS के लिए यहाँ पे फुल कोर्स प्रोवाइडेड है। और यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। वाजीराम एंड रवि जो दिल्ली की कोचिंग है, वहाँ के काफ़ी फैकल्टी प्लूटस IAS में भी पढ़ाते हैं और यहाँ के सारे फैकल्टीज ही एक्सपीरियंस होते हैं। और यहाँ की एक प्लस पॉइंट बताऊँ मैं आपको, यहाँ का बैच साइज काफ़ी स्मॉल होता है, ओनली 40 स्टूडेंट्स इन अ बैच, जिसके वजह से बच्चे आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और टीचर से अपनी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आप सोचते हो कि रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट बहुत मेन फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है। तो देख लो, आप देख सकते हो प्लूटस IAS का रिजल्ट। प्लूटस IAS का रिजल्ट 2019-2020 में 50% से भी ज़्यादा रहा है। यहाँ टोटल 2 बैचेस थे, 40 स्टूडेंट्स की एक बैच होती थी, 80 में से 43 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, IAS एग्जाम 2019-2020 में। तो रिजल्ट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा रहा है। तो प्लूटस IAS में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप यहाँ से जाकर के एडमिशन ले सकते हो। और हाँ, एक बार डेमो क्लास ज़रूर ले लेना। और ये थी हमारी सारी बेस्ट कोचिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट कोचिंग चाहिए तो आप श्योरली ही इन कोचिंग सेंटर में जा सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ऑनलाइन है जो कि इस कोविड सिचुएशन में बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और साथ ही ये बेस्ट कोचिंग है। फैकल्टीज़, रिजल्ट देखे, कुछ भी देख लो आप, ये कोचिंग बेस्ट है। तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर करना, और साथ ही कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।